सपा ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 34वीं पुण्यतिथि मनाई। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट भवन जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर नेताओं और पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने चरण सिंह के बारे में कहा कि वे कहते थे कि जब किसान खुशहाल रहेगा, खेत खलियान आबाद रहेगा, तभी देश खुशहाल रहेगा। देश की खुशहाली का रास्ता गाँव से होकर जाता है। जिलाध्यक्ष श्री देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता माने जाते हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया है और गरीबों को अधिकार मिला। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून पारित कराया। 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1967 में मुख्यमंत्री बने। उसके बाद केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। आज के छात्र युवाओं नेताओं को उनकी राह पर चलना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल ने कहा कि गरीबों दलितों के मसीहा थे, किसानों के हितैषी। आज के नेताओं को गरीब किसान से कुछ लेना देना नहीं होता। जब तक खेती का बढ़ाव नहीं मिलेगा, विकास दर असंभव है। उन्होंने हमेशा और मजदूरों के लिए काम किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री मुन्नी लाल यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव, आशीष यादव, सुरेंद्र सिंह पटेल, जवाहरलाल मौर्या सहित तमाम लोग मौजूद रहे। लगे कि अभी तुम गलत बोल रहे थे। माननीय चरण सिंह खड़े हो गए और उनसे कहा गायत्री जी से क्या करें चाहिए, अभी ये बच्चा है, इसीलिए इसको खेल और जेल मंत्री बनाया गया है, इसलिए बातों पर ध्यान रख दीजिए। वो लोग स्वस्थ राजनीति करते थे, कभी छीछा लेकर राजनीति नहीं करते थे और उन्होंने उनको कह के चुप करके बैठा दिया। आज किसानों की बात चरण सिंह जी कहा करते थे, जैसे हमारे पाले जी ने कहा कि विकास का रास्ता खेत और खलिहानों से शुरू होता है। और इन्होंने कहा था कि जब तक किसान परेशान रहेगा और धरती पर तूफान बना रहेगा। आज किसानों की बात करने वाला कोई नेता थे तो माननीय चरण सिंह थे, और इनके शागिर्द में रहकर माननीय मुलायम सिंह हमारे जो नेता हैं वो इनके हैं। शागिर्द में रह करके और किसानों की बात हमेशा सदैव करते करते रहे। आज जो किसान आप लोगों ने जैसे बताया कि किसान समर्थन मूल्य की बात ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू किया, और आज वही किसान समर्थन का चाहे गेहूँ हो, चाहे धान हो, चाहे सरसों, चाहे अरहर, सबका समर्थन मूल्य उसी समय से शुरू हुआ जो पहले माननीय मुलायम सिंह जी ने किया। तो हम लोग इनके आज पुण्यतिथि पर संकल्प ले, जैसा लोगों ने कहा कि आने वाला दिन समाजवादी पार्टी का है, हमारे सभी नेता, हमारे सारे लोग लग जाएंगे तो 2022 में निश्चित हमारी सरकार बनेगी और हम लोग को सम्मान इज्जत मिलेगा। और मैं इसी के साथ मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।